साथी रे, कैसा सिला दिया रे वफा का, कैसा सिला दिया। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। आज इसको हम सीखेंगे दोस्तों, इसको बांसुरी पर हम कैसे बजाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसका ट्यूटोरियल देखते हैं। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। स्लेट पे साइड में लिखा हुआ है नोटेशन, नोटेशन स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो 9525968338 पर आप हमें कमेंट करके ये नोटेशन आप मंगा सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हुए, शॉर्ट वीडियो में आप लोग स्टार मेकर पर अगर बजाना चाहते हैं तो ए बेस का फ्लूट लीजिए। जिस तरह से नोटेशन दिया हुआ है, स्टार मेकर में करेको है, उस पर एकदम परफेक्ट बैठेगा। यूट्यूब में भी करेको है, उस पर भी बजाइए जो नॉर्मली करेको है। याद रखिए, करेको का अगर स्केल चेंज होता है तो बांसुरी के साथ उसका स्केल चेंज भी करना पड़ता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। लेकिन नॉर्मली जो स्टार मेकर पर जिस तरह से मैं कवर सॉन्ग भी बनाया हूँ तो उस तरह से बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं। कभी बंधन जुड़ा लिया, कभी दामन छुड़ा लिया। इसको दो बार रिपीट करेंगे और दोनों लाइन का जो है ना नोटेशन एक ही लाइन में होगा, ठीक। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, शुद्ध स्वर सारे लगे हुए हैं। और इस जो स्लेट पे लिखा हूँ एक, इसमें तो एक शुद्ध म भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। सारे स्वर शुद्ध है, याद रखिएगा। ग से स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे फिंगर को भी देखिए, फिंगर को देखिएगा तो मैं कन खटका जहाँ मारता हूँ वहाँ पर मेलोडी निकलता है। तो स्लेट पर जो लिखा हूँ वो तो फ्लैट नोट लिखा हूँ, बहुत 90% जो है कि मैं इतनी हो, मतलब कि आपका परफेक्ट बजेगा। 10% के लिए आप लोग कर्ण खटका का भी यूज कीजिए, वो भी कैसे देख के, फिंगर देख के। ये देखते हैं, ठीक है। गरे गाधा पधा निधा, ठीक है। और जो इस तरह से लाइन जो दिया हूँ इस तरह से, तो कर्व में जो है वो फास्ट नोट बजेगा। गरे गाधा पधा निधा, दो बार देखिए धीरे धीरे। अथवा सब ब्यूटिफिकेशन के लिए, नहीं तो सिंपल धा तक लास्ट हो जाएगा। कभी दामन छुड़ा लिया, यही लाइन बजेगा। गरे गाधा, गरे गाधा पधा निधा, गरे गाधा पधा निधा, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद धा से मिंड लेंगे, ये धा से मिंड लेंगे, ओ साथी रे, इस तरह से। तो एक बीच में शनि धनी लगा हुआ है, तो वो एक मुर्की है, ठीक है। तीन से चार अगर स्वर लगते हैं तो वो एक मुर्की बन जाता है, इस तरह से। इसका पहले प्रैक्टिस कीजिए, सनी धनी। और साथ ही रहे, यहाँ से दस से स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, फिर से धीरे धीरे के दस स धनी, ठीक है। धनी करके रुकने के बाद दोबारा करिएगा, नहीं रुकने के बाद ऐसे ये धा जब रखिएगा ऐसे खटके के साथ, ठीक है। प ये हो गया, ओ साथी रे, ठीक। पतक उसके बाद कैसा सिला दिया का नोटेशन अलग देखिए, कैसा सिला दिया, वो प से स्टार्ट होगा। पौधा पौधा अमीर लेकर सा ऐसे, अधा असा लेंगे, जब नहीं रखेंगे ऐसे रखेंगे। पौधा देख रहे हैं,
और ये लास्ट में से पधा, कैसा सिला दिया पधा, देखिए इस तरह से दिया हूँ, फिर ये वफा का कैसा सिला दिया, इसी लाइन में, लेकिन ये लाइन ध से स्टार्ट होगा, कैसा सिला दिया ये प से स्टार्ट हुआ था ना इस तरह से, कैसा सिला दिया ये वफा का, इसी लाइन में, लेकिन ये ध से स्टार्ट होगा, रुकना नहीं है, सॉरी इसको रुकना नहीं है, एक नॉन स्टॉप बजेगा, मैं इस तरह से एक दिया हूँ कॉलम, वो नहीं लगेगा, सॉरी, कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया, वफा का, वफा का देखिए ध से स्टार्ट होगा, धधा निधा, धधा निधा प, थोड़ा सा टंग किया टू टू, वफा का हो गया का, और उसके बाद वफा का कैसा सिला दिया, वही पधा सनी, पधा सनी धा पधा, एक बार धीरे धीरे देखिए, कैसा सिला दिया ये वफा का, कैसा सिला दिया पूरा लाइन, देखिए वफा का बस यही चेंजिंग हो रहा, फिर उसके बाद कैसा सिला दिया, फिर पदा जो शुरू में कैसा सिला दिया का, वफा का खलता देख लीजिए, वफा का कहा, वफा का ठीक, ये हो गया तेरे वादे वो इरादे, उसके बाद गस स्टार्ट करूँ वहीं, लेकिन ये धा अच्छा ये पधा पद प, ऐसा भी कर सकते सिंपल ध प रख सकते हम, गारे गा, गारे गा बीच में ध के पहले गा लगा हुआ है, ठीक है इस तरह से, ये तेरे वादे वो इरादे, ठीक है दो बार करेंगे, गरे ध पध पध प, अब गरे ध पध पध, ठीक है दो बार करेंगे सिंपल, ठीक है उसके बाद वहीं उस साथी रे, ऊपर में देखिए स्लेट के ऊपर में लिखा हुआ है, उस साथी रे कैसा सिला दिया, ये तेरे वादे वो इरादे, इसको दो बार करने हैं, यहाँ पे संभालिएगा ये निधा धनी 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 धा, ये जो सनी धनी इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए तभी आएगा क्लियरिटी, और इसके बाद पास डायरेक्ट मिलेगा, वो साथी रे जो ऊपर में जो लिया हूँ वो धा से मिल लिया हूँ, लेकिन इसमें जो है तेरे वादे वो इरादे करने के बाद पस डायरेक्ट लीजिएगा,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए और स्लेट पे लिखा हुआ नोटेशन ले लीजिए और ये हो जाता है आपका कभी बंधन जोड़ा लिया का, ये फर्स्ट पार्ट का ट्यूटोरियल है। ठीक है, आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाइए, दोस्तों को सुनाइए, ठीक है। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।